Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. So, आज है next day. कल हम लोग दिल्ली से निकले थे morning में. And अगर आपने पहले के vlog देखे हैं, so last evening we came to अजमेर. फिर हम दरगाह गए थे, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो करके फिर हम वापस आ गए थे. And we were so tired. और फिर हम आके बस सो गए. Like कल का दिन वैसे ही थोड़ा सा hectic सा था. तो yeah. अभी मॉर्निंग में उठ के मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर रहा हूँ, सो दैट कि जो लास्ट व्लॉग है वो ऑन टाइम पब्लिश हो जाए. एंड मैं आपको बाकी सबसे मिला देता हूँ. तो यहाँ है चीकू, जो कि अभी नहाने के बाद पावर नैप ले रही है, सो दैट गुड मॉर्निंग एवरीवन चीकू की तरफ से. हाँ तो भाई क्या हो रहा है चीको? ए चीको, अरे मम्मी का क्या बाल बाल छोड़ दे भाई. आधे बाल तो यही ले जा रही है. चलो सही है. तो बस अभी क्या है, अभी मेरे को नहा धो के तैयार होना है और थोड़ा सा मेरा ऑफिस का काम था वो भी मैं कवर अप कर रहा हूँ. तो ये करने के बाद हम निकलेंगे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू जोधपुर, बिकॉज अजमेर से जो रूट है उदयपुर जाना थोड़ा सा यू नो उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है. सो वी आर गोइंग टू जोधपुर एट फर्स्ट और फिर हम यहाँ से जाएंगे टू जैसलमेर. तो जोधपुर में वी आर थिंकिंग टू स्टे फॉर 2 days और फिर हम आगे का जैसा भी होता है विल यू नो लेट यू नो. हमारे जो प्लान होता है वो ऐसे ही बनता है, ऑन द स्पॉट हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और जैसा हमें अच्छा लगता है, जैसा हमें फील होता है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, राइट? सो अगर आप बाहर इधर देख सकते हो, इट्स ऑल्सो वन साइड ऑफ राजस्थान, इतनी सारी ग्रीनरी है. सो ये कोई तो खेत है, मुझे लग रहा है मक्के का खेत है या बाजरा कुछ ऐसा ही लग रहा है जो सामने खेत है. एंड मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सो इसको बंद कर देते हैं बिकॉज मक्खी वगैरह आ रही है. और यहाँ पे इन लोगों का सेल्फी सेशन चल रहा है. चीकू मेरी तरफ देख रही है, सुजू सेल्फी ले रही है उसकी. चीकू सामने ये होगा ना, कैमरा ऑन होती है कंफ्यूज हो जाती है कहाँ देखो. ओह माय गॉड. सो गाइस होटल में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सो डायरेक्टली हमने चेकआउट किया और हम बाहर ही आ गए. अभी थॉट कि रास्ते में कहीं कर लेंगे अच्छी जगह देख के, बिकॉज होटल में मेरे को खाना इतना अच्छा नहीं लगा और हमें थोड़ी भूख भी नहीं थी उस समय. तो फिर हम निकल गए एंड अभी बस हम बीच रास्ते में ही हैं, गोइंग टूवर्ड्स जोधपुर. तो दोस्तों आई एम हैविंग पापड़. भूख बहुत जोर की लगी है खाने का. होटल में नहीं थी ना, अभी अचानक लग गई है. वो मेरा ऐसे ही चलता है, भूख अचानक बहुत तेज लगती है, आप समझ सकते हो. खाने का ऑर्डर हमने कर दिया है, खाना अभी तक आया नहीं है. वी हैव गॉट जस्ट दिस पापड़ जो कि टेस्टी है, तो अभी मैं इसी से काम चला रहा हूँ. क्या नाम है भैया आपका? दुर्गे सिंह आटो. अच्छा ये कौन सी जगह है? ये NH8 स्पेशल डिपो के सामने रूपाली मिडवे है. अच्छा हम बस अभी अजमेर से निकले हैं. अजमेर यहाँ से हार्डली कितना होगा? यहाँ से अजमेर 15 किलोमीटर दूर है ना. तो बस अजमेर से जैसे हम निकले हैं, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हमने लंच किया है अपना. एंड इट वॉज सिंपल थाली बट इतना ऑसम था ना, इट जस्ट यू नो बिल्कुल घर के खाने जैसा मेरे को स्वाद यहाँ का लगा. सो दैट्स वेरी गुड. कौन सी जगह, क्या नाम है जगह का? स्पेशल डिपो के सामने रूपाली मिडवे. अच्छा और क्या नाम बताया आपने? दुर्गे सिंह. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू. जो तुझे याद है ब्यावर, यहाँ ये जो फ्लाईओवर है ना, यहाँ से बस राइट लोगे आप नीचे तो ब्यावर सिटी है, छोटी सी सिटी है बट इट इज़ वेरी फेमस फॉर वो तिलपट्टी होता है ना, हम लेके गए थे रिमेम्बर? बिल्कुल पेपर जैसा होता है, इट्स स्वीट है ना, पापड़ के शेप का होता है बट बहुत टेस्टी होता है. उसमें इलायची वगैरह डाल के रखते हैं, ऑथेंटिक होता है. हाँ तो अभी हम लोग रास्ते में ही हैं टूवर्ड्स जोधपुर. इस NH58 जिस पे अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं और ये डायरेक्ट जाता है टूवर्ड्स पाली. हमें पाली ना जाके
पाली से थोड़ा सा पहले एक कट आएगा, पाली के थ्रू भी जा सकते हैं बट वो थोड़ा सा और लंबा पड़ता है। तो हम लोग पाली से पहले ही एक राइट कट ले लेंगे जो कि जाएगा स्ट्रेट टूवर्ड्स द सन सिटी विच इज जोधपुर। पीछे बोर हो रही थी क्योंकि पीछे मैंने एक तरफ ना शेड लगा रखा है शीशे में, सो दैट इसको ज्यादा ब्राइटनेस ना आए इसकी आंखों में, तो इसको पीछे मन नहीं लग रहा है। जब से आगे आके सुजू बैठी है तब से मस्त यहाँ पे सीनरीज देखे जा रही है यहाँ की, और रास्ता है भी बहुत प्यारा यार, है ना। ये जो प्रॉब्लम है ना जो अभी आपने देखी, मतलब यहाँ पे आई डोंट नो क्या रीजन है बट पूरे राजस्थान में ना ये इशू है। हर जगह हर रोड पे आपको ना बहुत सारे अबेंडन, अभी देखो आप यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं यहाँ पे जो कि ऐसे ही घूमते रहते हैं, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट सेफ एक्चुअली। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो कई बार ये सामने भी आ जाते हैं, तो क्या रीज़न हो सकता है जो भी हो बट ये चीज़ें बहुत हैं। तो अगर आप आते हो कभी भी तो मेक श्योर कि आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। दिन में तो खैर ठीक है, दूर तक आप देख सकते हो, बट रात में कई बार ही होता है बिकॉज गाड़ी की लाइट उतनी आगे नहीं रहती है, तो वो कई बार ही होता है ना अचानक आ जाते हैं, तो ऐसा हुआ है हमारे साथ एक दो बारी पहले, बट लकली वी गॉट सेफ, कोई दिक्कत नहीं हुई। सज्जू ये देख सामने का नज़ारा क्या है भाई, पूरे चारों तरफ पहाड़ हैं चारों तरफ, और ये बीच में से रास्ता जा रहा है। नाउ वी आर इन पाली डिस्ट्रिक्ट, ये है पाली डिस्ट्रिक्ट, बहुत प्यारा रास्ता है, वाह कितना अच्छा लग रहा है सच्चू ना। ये राजस्थान में ऐसा है यू नो, आप जब भी आते हो ना तो ऐसा लगता है यार कि मतलब ये चीजें हमने पहले देखी नहीं है। आप कितनी बार आ चुके हैं यार? हाँ कितनी बार आ चुके हैं, अपना ऐसा सुजू तुझे ऐसा लगता है अपना कुछ तो है राजस्थान के साथ में? वो तो है ही, मतलब कुछ अटैचमेंट है। मैं बताऊँ क्या, हाँ राजपूत बिलोंग्स टू राजस्थान, यस ये करेक्ट है। तो माइग्रेट हो गए ना लोग तो फिर, हाँ पता नहीं माइग्रेशन का रीजन क्या है, आई डोंट नो, पता नहीं पहले क्या सिचुएशन पहले होती थी, लोग क्यों माइग्रेट हुए, ऑब्वियसली वो अपना फ्यूचर अच्छा सोच के ही यहाँ से गए होंगे, माइट बी कि अभी तो राजस्थान में काफी पहले से फिर भी डेवलपमेंट हो गई है, हो सकता है पहले चीजें और ज्यादा वो हो यहाँ पे है, हार्श हो, हाँ उतनी एक्सेसिबल ना हो सारी चीजें, तो यू नेवर नो क्या रीजन होगा, क्योंकि यार ऑब्वियसली अपना घर छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता है। अगर माइग्रेशन हुआ है राजपूतों का यहाँ से तो आई एम श्योर बहुत बड़ा रीजन होगा उस समय के अकॉर्डिंग। और पाली के लिए रास्ता सीधे है, ये स्पेशली ब्यावर के बाद से ना और पाली तक, मतलब ये जो स्ट्रेच है ना इट्स सो ब्यूटिफुल, आप देखो यहाँ पे जो माउंटेन्स भी है ना इट्स सो यू नो सूदिंग, बहुत मतलब अच्छे हैं, बहुत प्यारे लगते हैं ये। चीकू हैविंग फन, चीकू को मजा आ रहा है। गाइज हम लोग वैसे भी ना फ्रीक्वेंटली हम लोग जाते रहते हैं घूमने कहीं ना कहीं, यू नो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, बट पता नहीं राजस्थान में आके जो आप ड्राइव करते हो ना इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड,
मतलब जस्ट इमेजिन यू नो दिस काइंड ऑफ वैली दिस काइंड ऑफ माउंटेन्स है और बीच में आपको ऐसा हाईवे मिले जहाँ पे आपको केवल बहुत रिलैक्स वे में यू नो आपको ड्राइव करना हो कोई टेंशन ना हो तो बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली आई गेस ये रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग बार बार यहाँ पे आते हैं चिको क्या हुआ चिको क्या हुआ पूरे मस्ती के मूड में है ये आज इसको क्लासिक पे मजा नहीं आ रहा है हाँ पीछे इसको मजा नहीं आ रहा आज आगे आज व्यू है ना पूरा तो ये आगे एंजॉय कर रही है ये तब से ऐसे ही पड़ी है चिको चल तू पीछे जा अपनी जगह पे जा 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 पीछे जा नहीं जा रहा है पीछे क्या हुआ चीको व्हाट हैपेंड चीको कितना सुंदर है ये क्या चीज है ये इट्स अ कार यार ये चारों इसके व्हील हैं वाह ये इसके व्हील हैं ऊपर इसका वो है ये तो कोइंसिडेंटली आपने अपना उसका वो उठा लिया हाँ बट इट्स अ सेडान कार सी कैसा लग रहा है ये तो दोस्तों मैं आपको अब दिखा रहा हूँ डिफरेंस ऑफ द प्लेसेस इस जगह को सन सिटी क्यों बोला जाता है सो नाउ सी अभी तक पूरे रास्ते में हम दिल्ली से जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं टूवर्ड्स अजमेर इनफैक्ट अजमेर के काफी आगे तक हमें पूरा क्लाउड मिल रहा था इट वॉज ऑल क्लाउडी हल्की हल्की बीच में बारिश भी हो रही थी और राजस्थान में इस समय अगर आप फोकास्टिंग देखोगे तो पूरे नेक्स्ट वन वीक के लिए हर जगह बारिश दिख रही है एंड नाउ यू कैन सी द जोधपुर जो कि वी आर वेरी क्लोज टू द सिटी और आप देख सकते हो कि अचानक अगर आप ये अगर कैमरे में आ रहा है ये चीज़ तो यू कैन जस्ट सी कि कितनी शाइनिंग है अचानक मतलब इतना तेज हो गया ना सन का जो इफेक्ट है और जो टेम्परेचर है ये भी थोड़ा सा ऊपर आ गया दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस property which is 135 years old it's a koti kam inhone you know haveli hai purani jo ki inhone convert karke they have converted into a resort so it's very very beautiful property hame kai logon ne recommend bhi kiya tha aur maine kafi suna bhi is property ke bare mein so we thought ki let's give it a try aur hum yahan pe aake you know stay karenge so let me show you around ye maine gaadi park kar di hai this is the main entrance aur जो प्रॉपर यू नो
प्रॉपर्टी का टूर होगा ना दैट आई विल गिव यू टुमारो यू नो इन द नेक्स्ट व्लॉग. अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में बिकॉज ये व्लॉग ऑलरेडी काफ़ी यू नो स्ट्रेच हो चुका है. सो आई डोंट वॉन्ट टू यू नो मेक इट मोर लॉन्गर बिकॉज दैट वॉन्ट बी यू नो गुड. सो अभी मैं बस दिखा देता हूँ द वे अराउंड और उसके बाद अभी मैं आपको रूम टूर देता हूँ एक्चुअली और बाकी जो प्रॉपर्टी का यू नो द एग्जैक्ट वो है दैट आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. अभी मैं आपको रूम में ले चलता हूँ. जस्ट अभी हमने चेक इन किया है. सो चीकू एंड सज्जू मस्ती फ्रेशनअप. ओके सो दिस इज़ आवर मेन. मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ. सो देर लाइक टू डोर्स. दिस इज़ द मेन एंट्रेंस. अभी एक ये डोर है जैसे पहले होता था यू नो पहले के घरों में. एंड दिस इज़ द ओल्ड स्टाइल जो कि वो कीवाड़ वाला होता है ना वो चीज़ है. हाँ हाँ कुंडे. राइट कुंडे इज़ द राइट वर्ड. सो सो जू यू ना एक्सप्लेन क्या क्या चीज़ें हैं. जितना मैंने ऑब्जर्व किया हाँ सबसे पहले तो ये एक्सिम मॉल जो कि लोगों ने क्रिएट किया है. राइट पुराना दरवाजा उस पर थोड़ा सा डेकोरेशन लगा दी फॉर्म फॉर्म लगा दी दरवाजा है right. उसको प्लेस कर दिया है. एंड दिस इज लाइक फैब्रिक उसके बाद फ्रेम कर दिया. ये फैब्रिक के अंदर कपड़ा है पुराने जो लोग अच्छा जैसे इनकी पेंटिंग्स होती हैं राइट काइंड ऑफ पेंटिंग है बट ये है फैब्रिक और उसको ना फ्रेम करा दिया. तो बेसिकली हमने एक एक्सिंग वॉल बना दी पुरानी एंटीक चीजों से. एक्चुअली आई हैव सीन समवेयर यू नो इस टाइप की पेंटिंग ये लोग अपने घर वगैरह पे भी करते हैं. सो वो कहीं ना कहीं यू नो इनके कल्चर को ये रिप्रेजेंट करता है. इट्स अ हैंडवर्क हाँ बट इट लुक्स सो ब्यूटीफुल ना. और स्पेशली यू नो यू कैन सी इट्स ये क्या अंदर अलमारी है या इट जस्ट ओके अच्छा राइट राइट तो इट जस्ट सो एक्चुअली ये हमारा बेड है और बेड के बिल्कुल सामने दिस इज द वॉल जहाँ पे ये सारी चीजें दिख रही हैं. और दैट्स अ स्मॉल विंडो झरोखा. हाँ दिस इज झरोखा यहाँ बाहर दिख रही है हमारी बालकनी. हाँ बालकनी दिखा दी मैंने. और प्रॉपर क्योंकि काफी बड़ी प्रॉपर्टी है तो जो प्रॉपर टूर होगा ना दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो है ना. क्योंकि अभी देयर इज नो पॉइंट बहुत टाइम लग जाएगा तो इसका मैं फ्रेश वीडियो बनाऊंगा जो कि कल के ब्लॉग में मैं उसको कवर करूंगा. और चीकू यहाँ पे रेस्ट कर रहा है. सही है चीकू फाइनली इसको बेड मिल गया. सुबह से ये कार सीट में बैठी है या सज्जू की गोद में बैठी है अब जाके ये बेड पे आई है. लाइकिंग इट एंड ये कॉर्नर है. दिस इज अवर टीवी प्लेस. यहाँ पे ऊपर एसी इन्होंने माउंट कर रखा है. दिस इज द वॉशरूम. तो वॉशरूम का जो एंट्रेंस है ये कुछ ऐसा है. एंड ये वॉशरूम के सामने इन्होंने कुछ हाँ आई गेस हाँ राइट 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 हाँ सीलिंग भी वैसी है. सो इट्स वेरी ओल्ड स्टाइल सब कुछ है ना. वेरी ओल्ड स्टाइल लाइटिंग से लेके यू नो द विंडोज झरोखा जो है ये सारा बहुत ही पुराना स्टाइल है. हाँ नॉट 100 ईयर इट्स 135 ईयर्स. आई जस्ट आस्क्ड टू भैया उन्होंने बताया इट्स 135 ईयर्स. जैसे मिट्टी वाले घर नहीं होते थे मिट्टी वाले घर पे जो लेप होता था हाँ तो उस चीज को इन लोगों ने हाँ राइट राइट राइट. इसकी जो यू नो जो चीजें देख रही है ना वो इसके एथनिसिटी को यू नो शो कर रही है राइट. कितना एथनिक है ये और कितना प्यारा है ये. कैन यू सी देयर इज अ मोर जो कि इनका कर्टन होल्डर है. मुझे ऐसे पुराने लेट मी शो यू द वॉशरूम. वॉशरूम पे उन्होंने ऑब्वियसली मॉडर्नाइज कर रखा है क्योंकि ये सब चीजें ऐसी नहीं होती थी. सो इट्स अ नॉर्मल वॉशरूम. एवरीथिंग इज नॉर्मल. यहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए जगह है. एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस प्लेस. तो ये दिस इज द कवर्ड. यहाँ पे सारा सामान आप रख सकते हो. अगेन द ओल्ड स्टाइल जो पुराने हमारे यू नो दादी के या नानी के घरों में जैसे यू नो संदूक और जैसे वो रखते थे अलमीरा जैसे होते थे उस टाइप का ही है. सो या इट्स सो ब्यूटीफुल. और मैं आपको ये दिखाता हूँ द झरोखा. सो देयर इज अ नेट एक्चुअली ऑब्वियसली फॉर मस्कीटोज एंड ऑल. तो यहाँ पे हम इधर बैठ के आराम से वी कैन हैव आवर टी इवनिंग स्नैक्स वगैरह हम यहाँ पे ले सकते हैं. एंड वी आर थिंकिंग टू स्टे हियर फॉर
टू डेज एक्चुअली बिकॉज ऑलरेडी आज का दिन निकल गया है. सो लेट्स सी, हम सोच रहे हैं यहाँ पे दो दिन स्टे करने के लिए, राइट? हाँ, दो दिन हम स्टे करेंगे यहाँ पे. और बाकी कल के लिए जो नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग देखोगे, वो बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे मेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ जोधपुर, जो कि यहाँ का फोर्ट है जिसके लिए जोधपुर जाना जाता है. और उसके अलावा हम जैसा भी होगा विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट ब्लॉग क्या क्या चीज़ें और करने वाले हैं, राइट? तो सबसे पहले हम वहीं पे जाएंगे, फिर हम देखते हैं. हाँ, तो जाना ही है, फिर देखेंगे उसके बाद. हाँ, राइट. और एक चीज़ और है जो कि मैं आई एम श्योर मैं उसको कवर करूँगा. तो जब मैं कवर करूँगा देन आई विल शो यू. सुज्जू के लिए भी वो सरप्राइज़ है. आई वांट टू टेक हर टू अ विलेज जो कि बिल्कुल यू नो राजस्थानी कल्चर वगैरह को शो करता है. एंड दैट इज़ यू नो मैनेज बाई बिश्नोई पीपल, जो कि यहाँ पे लोकल एक रिलीजन है जो कि उस चीज़ को यू नो वो लोग मेंटेन करते हैं. सो वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. वो पूरा गांव का कल्चर, गांव की चीज़ें, ऊट खेत, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा एंड यू लव इट आई एम श्योर. तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है. चीकू यहाँ पे सबको हाय बोल रही है. चीकू की आज बैंड बज गई है गाड़ी में बैठे बैठे. Yes. मुझे लग रहा है. तो उसको एक्चुअली अब बेड की जरूरत लग रही थी, तो अभी बहुत ही रिलैक्स साउंड कर रही है वो. नहीं तो पिछले एक घंटे से थोड़ी क्रैंकी हो रही थी, तो हमें बार बार गाड़ी से उतर के उसको थोड़ा सा घुमाना पड़ रहा था. बट रेस्ट एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. हम बिल्कुल मस्त हैं, कोई टेंशन नहीं है. और आज इतनी कोई थकान भी नहीं हुई बिकॉज हमारी ड्राइव भी बहुत कम थी, तो हम लोग बहुत आराम से आज पहुँच गए. सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो आज की, सो प्लीज़ लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब इट. और हम ऐसे ही हाँ शेयर भी कर दो प्लीज. हाँ, तो चीकू भी कह रही है शेयर कर दो, ठीक है? सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में और देखते हैं और जोधपुर में हम क्या क्या यू नो एक्साइटिंग चीज़ें करने वाले हैं. सो बाय.